बहुत आसानी से आप उन सभी लोगों के मन और इरादों को जान सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इसे 15 इंच बाहर ले जाते हैं तो आपको कहीं भी होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि कई योगियों, ऋषियों और युग दृष्टाओं ने इसी से भविष्यवाणी की थी कि इस समय एक धूमकेतु आएगा, एक बड़ा धूमकेतु आएगा जो पृथ्वी पर इस तरह का असर डाल सकता है। मैं थोड़ा हिचक रहा हूं क्योंकि मैं खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, तो अभी मैं जो कुछ भी कहूंगा वो अमल में लाने के लिए नहीं है, ना ही किसी तरह की खोजबीन के लिए है। मैं बस आपको एक कहानी सुना रहा हूं। शरीर में दो अलग अलग बिंदु होते हैं जिनके जरिए कोई व्यक्ति सोते समय अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित कर सकता है। वैसे अगर आप आगना चक्र का इस्तेमाल करें और उसे बाहर ले जाएं 18 से 21 इंच तक, तो आपको एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा जिसकी भुजाएं, सभी तीनों भुजाएं लगभग 24 इंच की होंगी। तो अगर आप यहां हैं तो ये 12 इंच यहां होगा और 12 इंच ऊपर होगा। अगर आप इसे मान लीजिए 21 इंच तक नहीं बढ़ा पाते बल्कि 9 इंच ही बढ़ा पाते हैं, तो आपके साथ होगा ये कि आपको यू विल हैव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टेंट अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी, लगातार चलने वाली अपनी मानसिक बकबक से राहत मिलेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ध्यान से यही लाभ होते हैं, यानी उनकी मानसिक बकबक कम हो गई है, वो थोड़ा अधिक शांत महसूस कर रहे हैं और वो थोड़े बेहतर इंसान बन गए हैं, क्योंकि उनके दिन के समय में जाने या अनजाने वो थोड़ा सा आगे आगे आया है। शायद नींद में ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन अगर नींद में ऐसा होता है तो आपको इस अनावश्यक मानसिक गतिविधि से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। अगर आप इसे मान लीजिए 12 इंच तक बढ़ा पाते हैं, तो आप बहुत आसानी से उन लोगों के उन सभी लोगों के मन और इरादों को जान सकते हैं जो आपके संपर्क में हैं, खासकर अगर वो खून के रिश्तेदार हैं, तो आप बहुत आसानी से उनके मन और इरादों को जान सकते हैं बिना कोशिश किए, उनके मन को पढ़ने की कोशिश किए बिना, बस यूं ही। अगर आप इसे 15 इंच तक ले जाते हैं तो आपको कहीं भी होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चल जाएगा। इस पृथ्वी पर या इस ग्रह प्रणाली में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि कई योगियों, ऋषियों और युग दृष्टाओं ने इसी से भविष्यवाणी की थी कि इस समय एक धूमकेतु आएगा। एक बड़ा धूमकेतु आएगा जो पृथ्वी पर इस तरह का असर डाल सकता है। ऐसा उन्होंने अतीत में कहा था और ठीक उसी समय वो चीजें हुई, क्योंकि उन्होंने इसे आते हुए देखा था, दूरबीन या किसी चीज से नहीं, अपनी ऊर्जा में उन्होंने देखा कि यह आ रहा है। अगर आप इसे 18 इंच तक ले जाते हैं तो जो कुछ भी जानने लायक है आप जान सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, जैसे लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा पढ़ना, लेकिन जानने योग्य सभी चीजों तक आपकी पहुंच होती है। अगर आप इसे पूरे 21 इंच तक ले जाते हैं और ये वहीं बना रहता है, तब आपकी चेतना ब्रह्मांडीय हो जाती है और ये मुक्ति दिला सकती है, या अब जैसे आम तौर पर महासमाधि या महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसका मतलब है आप सचेतन शरीर छोड़ सकते हैं।
अगर आप इसे अपने आज्ञा चक्र से 21 इंच दूर रख सकें तो ये खुल जाएगा धीरे धीरे। जब ये खुल जाता है तो जीवन और शरीर छोड़ना पूर्णतः एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है। Thank you.